हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउस वाइफ कॉर्नर में। आज की हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है प्याज से रिलेटेड। तो प्याज के छिलके कई बार हम लोग छीलने बैठते हैं तो प्याज के छिलके उतारने में काफ़ी दिक्कत आती है, छिलके आराम से निकलते नहीं हैं तो उसके लिए, और हमें बहुत जल्दी होती है तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले इसको बीच में से इस तरीके से आधा काट लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से साइड से प्याज का छिलका आराम से निकाल देंगे और बिल्कुल आराम से प्याज बहुत जल्दी छिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी टिप्स भी मेरी इसी से रिलेटेड है। ये जो प्याज के छिलके होते हैं गर्मी के टाइम में क्या होते हैं कि हम लोग पंखे की हवा में बैठ करके प्याज छीलते हैं तो सारे छिलके उड़ने लगते हैं, पूरे कमरे में फैल जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें ये छिलके रखते जाएंगे और आधे घंटे बाद हम इन छिलकों को डस्टबिन में डाल देंगे और इस पानी को पेड़ पौधों में डाल देंगे तो पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तीसरी टिप हमारी है कि प्याज काटते टाइम आँखों में आंसू आते हैं तो इसके लिए हम एक कटोरी में पानी लेंगे और इसमें से बीच में से काट करके 15-20 मिनट के लिए हम प्याज को इसमें रख देंगे। उसके बाद हम काटेंगे तो प्याज आँखों में से आंसू नहीं आएंगे। भटूरे बनाते समय अगर हम भटूरे की मैदा में थोड़ी सी सूजी मिक्स कर देंगे तो हमारे भटूरे बहुत ही अच्छे बनते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अगली बार बनाइएगा तो सूजी मिक्स करके मैदा को मलिएगा आप लोग, उससे अच्छे बनेंगे। चीनी में क्या होता है कि कई बार चीटे चीटियाँ लग जाते हैं चीनी के डब्बे में, तो हम क्या करेंगे, लौंग 8-10 लौंग जो हैं वो ले लेंगे और चीनी के डब्बे में हम लोग डाल देंगे तो इसकी स्मेल से इसमें चीटे चीटियाँ बिल्कुल भी नहीं होंगी। बरसात के टाइम में लाल मिर्च जो होती है उसमें भी कीड़े लग जाते हैं तो कीड़े से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने हींग ली है, छोटा सा टुकड़ा लिया है हमने हींग का, इसको हम लाल मिर्ची के डिब्बे में हम लोग डाल देंगे तो इससे मिर्च में कीड़े नहीं लगेंगे। तो इसी टाइप के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए और वीडियोज़ के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपके सजेशन के बारे में, आप किस टाइप की वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू।